ऋषभ साहब, लगता है कि मेधा जी ने आपके लिए कोई खास तरह का टोस्ट तैयार किया है। जी हाँ बंसल साहब, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे शादी के बाद पहली सुबह का टोस्ट कितना खास होता है ये मैं नहीं जानता। आप तजुर्बा कीजिए, मैं चलता हूं। ठीक है, नमस्ते। टोस्ट तैयार है। इतना जोर से चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर पहली बार टोस्ट का आविष्कार हुआ। क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry. नहीं, ये सॉरी वाली तो ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं चलेगा ना? नहीं, तुम कैसे जानती हो कैसा कैसे नहीं चलेगा? यही कि मैं घर भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ ऋषभ। अरे घर को मारो गोली, तुम तो ठीक से ये ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं कर पा रही, उसका क्या? मैं जानती हूँ कि मैंने ठीक से ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया, लेकिन तुम यकीन मानो मैंने अपने हाथों से तुम्हारी ब्राउन ब्रेड निकाल के अलमारी में रखी थी, बिलीव मी। तो कहाँ गई? कहाँ गई? पता नहीं। बीवी जी, मैं आपको बताऊं कहाँ गई? बताऊं? यही है ना वो ब्राउन बेल्ट? तो आपने ऑलरेडी बेल्ट पहन ली है? जी हाँ, हमने ऑलरेडी बेल्ट पहन ली। वो क्या हुआ, हमने सोचा हमारी नई नई पत्नी जी के साथ सुबह सुबह एक हल्का फुल्का मजाक कर लिया जाए। अब देखो मजाक वजाक तो आता नहीं है, इसलिए बैड जोक, एक गुड जोक सुनाओ। ये टोस्ट जो है ना, तो बराबर नहीं है, और बना के लेके आओ। नहीं, क्या क्या फर्क क्या पड़ता है? मतलब टोस्ट हो ना हो फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि मैं तो टोस्ट खाता ही नहीं, मैं तो हमेशा प्लेन ब्रेड बटर खाता हूँ। आई प्रॉमिस। आई सर, ये नहीं, नहीं कभी नहीं, वो हाँ हमेशा। तो आप टोस्ट नहीं खाते हो? कभी खाता ही नहीं हूँ, नेवर। ब्रेड बटर हाँ। सुबह तुम्हें क्या हो गया? कल रात मतलब हमारी सुहाग रात तक तो तुम ठीक थी, ये इसे पकड़ो। सुबह सुबह तुम्हें ऐसे दौरे पड़ते हैं क्या, या फिर कल रात को हमारे साथ कोई और थी? हाँ मतलब सुबह सुबह तुम किसी और के सपने देखते हो? देखो हम क्या करें, पुरानी आदत है ना। पुरानी आदत है? अरे देखो देखो, माफ कर दो मुझे। अरे मजाक करना आता नहीं भैया, क्या करें। देखो कोई आ गया, कोई आ गया। लवी भाई, अरे तुम इस वक्त क्या बात? ऋषभ जी, वो रूबी जी को अस्पताल ले गए। क्या जी?